नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योग काल चक्र में। मित्रों, आज हम गुरु और शुक्र के आपसी संबंधों के ऊपर आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान की दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो की रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको सभी को इससे बहुत सारे संशय दूर हो जाएंगे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हमारा विषय है कि क्या गुरु और शुक्र आपस में शत्रु हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें गुरु को देवताओं का गुरु माना गया है और शुक्र को असुरों का, या राजा बलि के दरबार में भी शुक्र थे, शुक्राचार्य जी। तो इस प्रकार इन दोनों को देवताओं और दैत्यों का गुरु मानकर ऐसा माना जाता रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह जो हैं आकाश के सबसे चमकीले ग्रह हैं और स्वभाव से शुभ ग्रह हैं, इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इन दोनों ग्रहों से यदि कोई जातक प्रभावित होता है तो वो बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यपरायण, पवित्र और वफादार होता है, ईश्वर में पूरी श्रद्धा भी रखता है। मतलब कि बहुत ही अच्छे गुण, यदि दोनों का दृष्टि संबंध शुभ हो और अच्छे भावों के कारक हो कुंडली में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं दोनों मिलकर भी। और अगर इनका दृष्टि संबंध भी हो तब भी और अच्छा देते हैं। हमेशा परंपराओं का पालन करेंगे, कभी कानून नहीं तोड़ेंगे, शांति भंग नहीं करेंगे। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं जो हम किसी में चाहते हैं, वो सारे गुण वो उनमें मौजूद रहते हैं। तो हम कायदे से देखा जाए तो हम इन्हें शत्रु कैसे मान सकते हैं। हालांकि जो है, मतलब कि इनका साथ जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये देवताओं के गुरु हैं और वो असुरों के गुरु हैं, जबकि आपस में जब भी मिलते हैं ये दोनों ग्रह तो हमें समृद्धि ही प्रदान करते हैं। वो आकाश में कभी भी विरोध नहीं करते एक दूसरे का, इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन इन दोनों की प्रकृति में थोड़ा सा फर्क है। गुरु की जो स्वभाव और प्रकृति हम करते हैं वर्णन, और शुक्र का, गुरु जो है आत्मा के उत्थान के लिए बना है। तो जातक जो है अपनी पारिवारिक उन्नति से ना जुड़कर अपनी आत्मा के उत्थान का प्रयास करता है और अपने परलोक की प्रति ज्यादा ध्यान देता है। ये गुरु का नेचर है, गुरु प्रधान। और शुक्र जो है वो जीवन की सारी सुख सुविधाएं हमें प्रदान करता है, जैसे कार है, फर्नीचर है, इत्र है, पलंग है, पत्नी है, प्रेम है, ये बहुत सारी चीजें। और जातक का मन और मस्तिष्क भी जो है इस जीवन के सुख भोगने में लगा रहता है कि मैं इस जीवन में जितना सुख भोग कर लूं, और उसके पास भगवान के लिए सोचने के लिए या उनकी प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए समय ही नहीं बचता, और वो इस लोक में सारे सुख प्राप्त करने के प्रयास करता है। तो यदि हम इसको देखें तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों का जो स्वभाव है व्यक्ति में, जो प्रदान करते हैं दोनों ग्रह, मानसिक व्यवहार जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि एक जो है इस लोक के, इस संसार के सारे सुख सुविधा को प्राप्त करने पर जोर देता है, और एक परलोक के। तो अगर इन दोनों ग्रहों में शुभ संबंध बनता है, दृष्टि संबंध या भावों से शुभ भावों के स्वामी होते हैं, तो फिर ये दोनों ग्रह जो मिलकर बहुत अच्छा व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। लेकिन यदि अकारक हो जाते हैं तो फिर ये अपने हिसाब से फल देते हैं। क्योंकि यदि ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु होते तो ये एक सीधी सी सोचने की बात है कि जो गुरु की मीन राशि है उसमें शुक्र उच्च का नहीं होता। गुरु की मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो व्यक्ति को या जो लोग इन्हें आपस में शत्रु मानते हैं उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये आपस में इस तरह से शत्रु नहीं है जिस तरह की से हम मान लेते हैं। लेकिन एक चीज और है कि इनकी जो शत्रुता है वो एक दृष्टि से उचित भी है। ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो लोग शुक्र की किसी भी लग्न में जन्म लेते हैं, जैसे वृषभ लग्न है या तुला लग्न है, ये शुक्र की लग्न है, इनका स्वामी शुक्र है, तो उनके लिए जो गुरु है छठे या आठवें भाव का स्वामी होता है।
वृषभ लग्न वालों के लिए वो आठवें भाव का स्वामी है और तुला लग्न वालों के लिए वो छठे भाव का स्वामी है ना। तो उनके छठे या आठवें भाव का स्वामी होने के कारण वो एक तरह से अकारक फल देने वाला बन जाता है। और इसी प्रकार जो गुरु की लग्न में पैदा होते हैं अर्थात धनु या मीन लग्न में पैदा होते हैं उनके लिए शुक्र छठे या आठवें भाव का स्वामी होता है। धनु राशि के लिए धनु लग्न के लिए शुक्र छठे भाव का स्वामी होता है और मीन लग्न वालों के लिए शुक्र आठवें भाव का स्वामी होता है। तो शुभ परिणाम वो नहीं देता अर्थात इन दोनों राशि लग्नों में पैदा होने वाले मतलब कोई गुरु के लग्न में पैदा होता है धनु या मीन में उसके लिए शुक्र अच्छा नहीं फल देता और जो लोग शुक्र के लग्न वृषभ और तुला में जन्म लेते हैं उनके लिए गुरु बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता। इसीलिए अक्सर लोग कह देते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और अच्छा फल नहीं दे पाते। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इन दोनों ग्रहों के अलावा मंगल और बुध भी दोनों ऐसे ग्रह हैं जो आपस में मित्र कहे जाते हैं लेकिन एक दूसरे की लग्न में जन्म लेने के कारण वो अच्छे फल नहीं दे पाते। जैसे मंगल प्रधान जो लग्न है मेष और वृश्चिक इन दोनों के लिए बुध जो है छठे या आठवें भाव का स्वामी पर अच्छे फल नहीं दे। और इसी प्रकार मिथुन लग्न या कन्या लग्न जो बुध की हैं उनके लिए मंगल अच्छे फल नहीं दे पाता। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के तो इसलिए। लेकिन हमने तो ऐसा कई बार देखा भी है कि बुध और जो मंगल हैं वो भी आपस में बहुत अच्छा फल दे पाते हैं अगर शुभ भाव के स्वामी हो तो। इसी प्रकार जो है हमें गुरु को और शुक्र को देखना चाहिए क्योंकि इनका शुभ दृष्टि संबंध यदि होता है कुंडली में अच्छे संबंध यदि बनते हैं तो व्यक्ति जो है बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है सफल रहता है जीवन में खूब संपदा इकट्ठी करता है और सारे सुख जो है जीवन के वो भोगता है। मां अपनी मान मर्यादा भी बनाकर रखता है बड़े दिल वाला होता है और दुनिया में घूम घूम कर खूब मित्र बनाता है। तो हमें जो है अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है उसे कभी बेईमानी वो खुद भी नहीं करता और उसे झेलनी भी नहीं पड़ती है मतलब बेईमानी का सामना उसको नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि इन्हीं दोनों का संबंध कुंडली में अकारक हो षड़ाष्टक हो द्विद्वादश हो शुभ संबंध दृष्टि संबंध नहीं हो तो फिर ये अच्छे फल नहीं दे पाते। और उसी संदर्भ में हम लगभग कह जाते हैं कि ये है जो अच्छे भाव अच्छे फल के रिजल्ट देने वाले या अच्छे फल प्रदान करने वाले नहीं है क्योंकि ये जितना अच्छा फल दे सकते हैं शुभ दृष्टि संबंध बनाकर सारे फल जो हैं उसके विपरीत फिर देते हैं। हमेशा इन्हें धोखेबाजी या बेईमानी का सामना करना पड़ता है। व्यापार में भी ऐसे ऐसे भागीदार मिलते हैं जो अपना मतलब देखते हैं और आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। राजनीति में अच्छे होते हुए भी पब्लिक इन्हें पसंद नहीं करती है कई बार। और यदि कस्टमर जो है यदि वो व्यापारिक ग्रह है व्यापार कर रहा जाता है तो कस्टमर जो है उसको हमेशा निराश करते हैं नेगेटिव अप्रोच देते हैं। बैंक में यदि वो जाता है लोन वगैरह लेने तो उसमें भी परेशानी आती है। तो मतलब कि ये दोनों ग्रह तो आपस में अच्छा फल देने वाले हैं शुभ ग्रह हैं लेकिन इन ये किस किस भाव के स्वामी होकर कुंडली में बैठे हैं वो हमें देखना चाहिए या किस भाव में बैठे हैं या फिर इनका दृष्टि संबंध कैसा है आपस में दृष्टि संबंध शुभ है या अशुभ है उसी के आधार पर आपको जो है फल जातक को मिलते हैं। इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वकीलों और जजों की सहायता भी हमें तभी मिल पाती है जब गुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी हो और साथ में शुक्र भी यदि अच्छा है तो वो उसको सफलता भी देती है। तो इस तरह से हम जो कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के शत्रु नहीं है लेकिन कुछ लग्न विशेष में ये अच्छा फल प्रदान नहीं करते एक दूसरे की लग्न में और विशेष रूप से तब जब ग्रह की दशा या अंतरदशा चले। एक कुंडली है मेरे पास हालांकि मैंने अभी डाली नहीं है पर एक वृषभ लग्न की ही कुंडली है उसमें गुरु की दृष्टि शुक्र पर है। वृषभ लग्न है उसका शुक्र जो है दशम भाव में है और गुरु छठे भाव में है उसका
गुरु अकारक भी आठवें भाव का स्वामी है, तो छठे भाव से उसकी दशम भाव पर दृष्टि है, लेकिन फिर भी गुरु की महादशा में विशेष रूप से उसको हालांकि उन्नति मिली है, लेकिन इतना तनाव, इतनी परेशानी उस व्यक्ति को रही है जिसकी कोई हद नहीं। हर काम बिना टेंशन के तो होता ही नहीं है, जॉब से रिलेटेड। हालांकि गुरु को शनि भी देख रहा है, शनिवार में भाव से देखता है गुरु को, छठे भाव में है गुरु, और गुरु खुद जो है दशम भाव में स्थित शुक्र को देखता है जो लग्नेश और षष्ठेश दोनों है। तो इस तरह से हालांकि गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध ठीक है, लेकिन चूंकि वो अष्टमेश भी है और उसकी दशा भी चल रही है, तो व्यक्ति ने उन्नति करी लेकिन इतनी टेंशन और इतनी परेशानी में रहता है कि वो चैन की सांस नहीं ले पाता। तो इस तरह से हमें हर कुंडली में इनके आपसी संबंध देख लेने चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि क्या ग्रह की दशा अंतरदशा तो नहीं पड़ रही। अगर महादशा नहीं पड़ रही है तब तो आप बचे रहेंगे, फिर भी लंबे समय तक आपको परेशानी नहीं होगी। अंतरदशा जो आएगी उसी में आपको थोड़े से मतलब कष्ट या अनिच्छित परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हमें गुरु और शुक्र को शत्रु न मानते हुए तदनुकूल जिस प्रकार की लग्न है उसी के अनुसार इनका व्यवहार देखना चाहिए और समझना चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि दोनों ग्रह किन किन नक्षत्रों में है, उसी हिसाब से इनके हम सिग्निफिकेटर निकालें, इनके कारकत्व जांचें, और तब हम प्रिडिक्ट करें। केवल देखकर कुंडली में एक क्षण में हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। आपने आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग कुछ सोच विचार करके अपने परिणाम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आदरणीय उत्तरा दीदी जब भी किसी विषय को लेती हैं तो उसको बिल्कुल क्लियर कर देती हैं, उसको ट्रांसपेरेंट रूप से बता देती हैं। शिक्षक हैं तो उनका बताने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है और सामान्य जन भी आसानी से समझ लेता है। तो एक बहुत ही शानदार वीडियो जो पूरे ज्ञान से भरा हुआ है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और यहाँ दिया हुआ है, आप सभी में से कोई भी शिक्षा अथवा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज उनसे लेना चाहते हैं आप डायरेक्टली उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।